और आसपास के क्षेत्र से पधारे हुए लोगों को कि एक छोटे से आप लोगों ने हजारों की संख्या में पहुंच करके इस तिरंगा रैली को ऐतिहासिक बनाने का काम किया है। आज जो कि हमारा स्वतंत्रता दिवस है, इसलिए अगर कोई नारा लगेगा तो इस भारत माता का लगेगा, अगर नारा लगेगा तो इस देश के अमर शहीदों की, भारत का नौजवान और बुजुर्ग और शाहपुरा का नौजवान बुजुर्ग आज देश की लय में ताल मिलाते हुए इस स्वतंत्रता दिवस के 75 वर्ष को पूर्ण करने की वर्षगांठ को मना रहा है। हमारे देश में जिन सेनानियों ने वर्षों तक संघर्ष करके अपने प्राण न्योछावर करके इस देश की आम जनता को ब्रिटिश शासन के राज से स्वतंत्रता दिलाई, उन शहीदों को याद करने का अवसर है। मैं सभी लोगों का अभिवादन करता हूं उस तिरंगा रैली में कि आप सब लोग पधारे हैं। हम सब लोग अभी 10-15 मिनट में पैदल मार्च, जो भी हमारा रूट अभी है, यह आप सबके सामने 5 मिनट में आ जाएगा। उस तरीके से हम लोग चलेंगे जो दुपहिया और चौपहिया वाहन वाले साथी हैं, वो कृपया एक बात ध्यान रखें कि एक एक पैदल चलने वाले व्यक्ति के जो जहां तक पैदल यात्रा जा रही है उसके उपरांत आप लोग अपने वाहन लेकर के आए, क्योंकि वाहन आगे चलेंगे तो हमारी रैली जो सफलता की तरफ चलेगी उसमें कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगा। तो आप जो भी दुपहिया वाहन के साथी हैं, चौपहिया वाहन वाले हैं, हम सब लोग ये सुनिश्चित करें कि धीरे धीरे आराम से पूरे अनुशासन के साथ इस रैली को सफल बनाना है। ये स्वतंत्रता का उत्सव है, हमारे उन अमर शहीदों को याद करने का दिन है जिन्होंने अपने प्राण न्योछावर करके इस देश को आजाद करवाया है। सभी साथियों को मैं अभिवादन करना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे साथी अभी कम से कम मेरी जानकारी के अनुसार 700-800 लोग रस्ते में हैं। 10-15-20 मिनट सब लोग बार बार फोन पर कह रहे हैं कि हम भी पहुंच रहे हैं, 5-10 मिनट देरी से चल रहा है, तो हम 15 मिनट का अंतिम इंतजार सबका करेंगे, उसके बाद अपनी रैली को प्रारंभ करेंगे। लेकिन मेरा निवेदन बार बार चौपहिया और दोपहिया वाहन के जो भी साथी हैं वो एक एक बाइक पर चले, बाकी सब लोग हम लोग पैदल चलेंगे और इस स्वतंत्रता की वर्षगांठ को सफल बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। राम राम साहब। और आप सब लोग जितना रूट हमको पीपली तिराहे तक चलना है, सब लोग अच्छे से धीरे धीरे, हाईवे पर भी जाम रहता है तो बहुत सारे अनुशासन के साथ हम लोग चलेंगे। नौजवान साथियों से विशेष निवेदन है कि बहुत सारे संयम के साथ हम चल करके इस रैली को, तिरंगा रैली को यादगार बनाए, ऐतिहासिक बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद। रूट बता दो, बता रहे रूट का, मैं सर वापस बताता हूँ, नीचे आकर के आराम से सर। हेलो, आज इस अमृत महोत्सव के 75वीं वर्षगांठ पर केवल और केवल भारत मां के जयकारे लगेंगे। अतः अभी कुछ ही देर में रूट का वो